ले लीजिए। अच्छा एक बात गजब है वैसे मृदुल, कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मतलब हैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं जीत की, तो वही तीसरी बार अजय राय हैं जो हार की तैयारी, मतलब तीसरे से दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाए वो, उसके बावजूद आपने फिर से उनको उतार दिया मैदान में। क्या क्लीन स्वीप कराने का इरादा है क्या, जैसा वो कह रहे हैं मिश्रा? 10 लाख पार। देखिए वो जुमला नहीं है, बनारस का लाल है जिसको कहते हैं अजय राय, ठीक है। और मोदी जी तो जुमला है गुजरात के, 4 तारीख को तो उनको जाना तय है। हमें तो जहाँ तक लगता है कि टिकट भी उनका करवा लिए हो गए, अभी सो नहीं कर रहे। दुर्भाग्य इस बात का है मानी जी, मैं एक बात कहूंगा, इस देश के आजादी के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी कहाँ के थे? वो गुजरात के थे। देश के पहले गृह मंत्री कहाँ के थे? गुजरात के थे। लेकिन ये लोग उनका भी अपमान कर जाते हैं। आपको पता नहीं बनारस के कितने कितने उनका भी अपमान कर जाते हैं, कोई अपमान नहीं हो रहा है। हिमानी जी, आपके इस शिवाला घाट से थोड़ी ही दूर पे गोदोलिया चौराहा है, संत महात्मा को प्रणाम करते एक बात काशी की जनता को भी याद दिला देती हूँ, संत महात्मा ने तो सहा है, गोदोलिया चौराहे पे हमारे यहाँ महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटती थी सपा की सरकार, और ये उस इसके बाद ये कहा जाता, सपा की सरकार थी भाई साहब जब महामंडलेश्वर को लाठियों से पीटते थे। मैडम बैठ जाइए, आपके पास आ रही हूं, बस आपके पास आ रही हूं, आ रही हूं। आशी के पास आ रही हूं। को शर्मसार किया था सपा की गवर्नमेंट ने, आपको भगवा रंग से प्रॉब्लम थी, आपको इस रंग से प्रॉब्लम है। आपको अगर साधु संत ये बोलते हैं कि लाठी से मत पीटो तो आप ये कहते हैं कि उनको राजनीति मत करो। अगर विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ बनता है तो देश का, अगर यहाँ बना है तो भारत का नाम होता है, ठीक है। एक बार पहले मिश्रा जी जवाब देंगे फिर चौरसिया जी जवाब दीजिए। अरे सर आपका माइक जी, मैं हिमानी नया माइक दे देता हूँ उन्हें, आप लीजिए 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 ये लीजिए, ऐसा ना कहें कि फिर आपकी आवाज नहीं गई, बोलिए इससे बोलिए कि आपकी आवाज दबाई जा रही है। ऐसा है कि संत महात्मा काम होता है भगवान को याद करना, पहला चीज, ठीक है। और ये जो आरोप लगा रही हैं, भगवान श्री राम का मंदिर जब बन रहा था चारों पीठ के शंकराचार्य वहां उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा? पहला चीज सुनिए, पहला चीज सुनिए, चारों पीठ के शंकराचार्य उपस्थित नहीं हुए, इससे बड़ा अपमान ये लोग क्या करेंगे? आप तो बोलने ही नहीं दे रही है समाजवादियों को, आप तो सिर्फ उन्हीं की बात सुन रहे हैं, समाजवादियों की बात सुन रहे हैं। दीजिए ना जवाब, दीजिए ना, वो जो कह रही है उसका जवाब तो दीजिए। कह तो रहे चारों पीठ के शंकराचार्यों को, चारों पीठ के शंकराचार्यों को भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह में वो लोग नहीं गए, इससे बड़ा अपमान क्या होगा शंकराचार्य? उसका जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? ये जो लोग बैठे संत महात्मा लोग ना, ये लोग भगवान को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। मैं नरेंद्र आनंद सरस्वती जी से सीधे सीधे सवाल कर लेता हूँ, शंकराचार्यों का विरोध होना, लेकिन इसी बीच एक मिनट, आप ही के पार्टी के नेता हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा राम मंदिर बेकार है, आप दोनों पे जवाब दे दीजिए। वहां 3 शंकराचार्य थे, और ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं के ना तो यती हैं, और जो शास्त्र की बात करते हैं, गोवर्धन मठ बनारंड नाम के सन्यासी का है, गुरु शिष्य से तीर्थनामा होना चाहिए, ज्योतिर्मठ गिरी और पर्वत नाम के सन्यासी का है, और अथर्ववेद का जाता, तो जो कुछ है नहीं और अपने को दंभ पाखंड से कपट कलेवर का भेष धारण कर अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो शास्त्र के आधार पर विधि सम्मत परमेश्वर संहिता ईश्वर संहिता धर्म सिंधु निर्णय सिंधु शास्त्र के आधार पर वहां प्रतिष्ठा हुई है, और कोई अशास्त्री काम नहीं हुआ है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति नेताओं की बपौती नहीं है, जब जब दिशाहीनता का प्रकरण आया है तो इस देश में विश्वामित्र वशिष्ठ आदि शंकराचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने देश को एक नई दिशा दशा देने का काम संतों ने सदैव। कुछ लोग कुछ जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। हाँ भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम संगम तिवारी है, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष लोहिया वाहिनी। मैम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब काशी के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक IIT के छात्रा के साथ रेप होता है, आप काशी की बेटी होते हुए आप कहाँ थी उस समय? उनका विरोध क्यों नहीं की जब IT सेल के कार्यकर्ता उनकी चमड़ियों को नोचने का काम करते हैं? ठीक है, और भी लोगों के सवाल इकट्ठे में सवाल ले लेता हूँ। जी भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि ये कहते हैं विकास नमो घाट से लेके 80 घाट अपने उंगलियों पे गिना दे कितना समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, और एक हाथ पे मैं गिनवा दूं कि मोदी जी ने कितना। अरे यार सर चुनौती चुनौती दे दी आप, सर मानी चाहिए। 80 घाटों के अंदर सब नाले बह रहे हैं गंगा जमुना के अंदर। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट हिमानी का रुख कर लेते हैं, आप एक बार इधर से सवाल किया एक उधर से सवाल किया, आपके मोदी आप लोग हजम करके। अरे यार सर
आनी चाहिए विकास में नाले बहरे गंगा जी के अंदर आज भी आपके सांसद बोलते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है मैं मुझे पब्लिक से मत लड़िए महाराज पब्लिक से मत लड़िए यही नीति है आप लोग की यही नीति है दिख रहा है आप लोग का यही चरित्र एक सवाल का जवाब आपने दे दिया एक सवाल का जवाब प्रीति जी आपसे हाँ पहले तो ठीक है प्लीज थोड़ा सा शांत सुन लीजिए जवाब तो शुरू है कि आखिरी तक काशी जो मोक्ष की धरती है वहाँ बार बार साधु संतों पर सवाल करना अपने आप में शर्मसार है। एक तरफ पैनलिस्ट ये कहते हैं कि साधु संतों को पूजा पाठ करना चाहिए और एक तरफ देश के राजनेता 70 साल में ये तय करते हैं कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा तो नेताओं को भी राम मंदिर के बीच में नहीं बोलना चाहिए भाई 22 वकील नहीं लगाने चाहिए साधु संत तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं राहुल गांधी के 22 वकील नहीं तय करेंगे कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं तो साधु संतों को अपना काम करते हैं नेताओं को नहीं भाई साहब आपकी बात पे जवाब देती हूँ देश की कोई बेटी हो चाहे वो बीएचयू हो चाहे वो मणिपुर हो ध्यान से सुनिएगा चाहे वो महाराष्ट्र की दिशा सालियान हो ठीक जहां आपकी सरकार है चाहे जो आज देश में कहीं किसी प्रदेश में कोई घटना घट रही हो चाहे सिटिंग राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हो हर स्वर में सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हम सवाल उठाते हैं लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपके सीएम के घर में ही स्वाति मालीवाल की पिटाई हो और वहां पे कोई ना बोले मेडिकल सुन लीजिए एक महिला यहां से कुछ कहना चाह रही है उनका सवाल नहीं स्वाति मालीवाल अच्छा एक मिनट एक मिनट वो स्वाति मालीवाल मुद्दे पर कुछ कहना चाह रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप बात पूरी कर लीजिए हां 10 सेकंड में पूरी कर लीजिए हां स्वाति मालीवाल का वीडियो वायरल हुआ है सीढ़ी से कूदते हुए मेडिकल पे विश्वास नहीं करते जिसमें एम्स के मेडिकल पे उनको चोट लगी है सीएम के घर में उनकी पिटाई हुई सीसीटीवी कैमरे से लेके हर जगह सारी चीजें लेकिन स्वाति मालीवाल के लिए नहीं अच्छा सुनिए झाड़ू झाड़ू की टोपी लगाई हाँ इधर बोलिए क्या नाम है आपका मोहिनी महेंद्र मोहिनी जी क्या कहना चाहती हैं आप मैं ये कहना चाहती हूँ ये जो स्वाति माजवाल का बात कर रही है मणिपुर से मोड़ दिया अब बिल्किस बानो से मोड़ दिया ये बीएचयू की लड़कियों से मोड़ दिया यहाँ आ गई स्वाति माजवाल पे स्वाति माजवाल वहाँ पर 20 सालों से हमारी आम आदमी पार्टी की सदस्य है हाँ। मुझे मालूम है मेरे घर में कौन कौन अच्छा अरविंद केजरीवाल ने भी तो माइक मोड़ दिया था आप कह रही मुद्दा मोड़ दिया उन्होंने कहा माइक मोड़ दिया था बात सुनिए जब ऐसा हुआ संजय सिंह जब बोले ना तो मुझे पता नहीं होगा बाहर अंदर घर में पता कर लिया करिए आप महिला है और महिला होने के बाद महिला होने के बाद बोलने दीजिए मेरी बात सुनने की ताकत रखिए मैं सच बोल रही हूँ एक महिला हूँ चाहे स्वाति माजवाल हो मेरी बेटी के बराबर है मैं 66 साल की हूँ मैं गलत भाजपा के प्रवक्ता जी आप भी याद कर लीजिए सुन लीजिए ना पूरी बात पहले आप लोगों को चैलेंज है कि आप लोग 2 मिनट मुझे देंगी मेरी बात सुनेंगी देखिए मैं अपने घर में रहती हूँ किस कमरे में क्या है क्या नहीं वो मुझे मालूम है स्वाति माजवाल ठीक है वो 20 साल से आती थी केजरीवाल जी से मिलना जुलना था सब लोग आते हैं लेकिन वो जिस तरीके से आई थी वो उनका मकसद था बीजेपी सेल से मिलके कि मेरे केजरीवाल जी को फंसाना चूंकि वहां पर विभव जी नहीं थे जब वो पहुंची हैं तो वो विभव जी उस रूम में नहीं थे उस रूम में सीसी कैमरा नहीं ये थी लग रहा है वहां पे लेकिन हम लोगों को आपने सुना होगा स्टिंग ऑपरेशन मैं लोग ऐसी जगह का गुप्त कैमरे से फोटो ले लेती हूँ अगर वो उस जगह मैडम आपका सवाल क्या है ये कहानी हमने बहुत सुनी और मैं हिमानी